हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपकी टिकी और स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल टिकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। आप एक माँ हो ना? जी मैं भी एक माँ हूँ, और जो नहीं है वो आने वाले कल की माँ है। आप मुझे पागल समझ रहे हो ना? जी नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। ये क्या माँ लगा रखी है समझ रहे होंगे। ये वीडियो खास करके मदर्स और बाकी सब के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है खास करके माँ लोगों के लिए हैं, क्योंकि बहुत कुछ टिप्स हैं, पर्टिकुलर टिप्स नहीं है। इसमें आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स मिला के, तो आप जिस तरह से चाहो आप अपने लिए यूज कर सकते हो। चलिए, क्योंकि माँ के बारे में मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, बहुत कुछ माँ बनने से पहले, पहली बार जब हम माँ बनते हैं तो बहुत कुछ कसमकस ऐसे दिमाग में चलता रहता है। बहुत डिलीवरी के बाद कितना कुछ चेंजेस आ जाता है सबको पता है, तो हमारे फिजिक में कितना कुछ, उसको ठीक होते होते एक साल लग जाएगा, दो साल लग जाएगा, किसी का पाँच साल, या फिर किसी किसी का मतलब वही पुराना वाला फिगर पाना तो सपना बन जाता है। अरे बाप रे, आप लोगों से बात करते करते मैं भूल ही जाती हूँ, सिर्फ बातें ही नहीं करनी है और कुछ ज़रूरी चीज़ें भी शेयर करनी है। तो चलिए फिर थीम के ऊपर चलते हैं फटाफट। हाँ तो फ्रेंड्स, ये ड्रेस देखिए, इस ड्रेस को एक्चुअली मैं साड़ी से बनाई हूँ, साटिन साड़ी है ये। इस साड़ी को मैं ऑनलाइन मंगाई थी, बट आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं इसको पहन के कहीं जा नहीं सकती। आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसा होता होगा, तो फिर मैंने कन्वर्ट कर दिया उस साड़ी को इस ड्रेस में। और सही मानिए फ्रेंड्स, साड़ी और इस ड्रेस में इतना फ़र्क आ गया कि वो साड़ी को मैं सोच रही थी कहीं पहन के जा नहीं पाऊँगी, बट ये ड्रेस बनने के बाद मैं इसको कहीं पे भी पहन के जा सकती हूँ। कहीं पे मतलब सोच, रेड कलर है तो सोच के थोड़ा पहनना पड़ेगा, उसमें शाइनी कपड़ा है तो साटिन का है, थोड़ा ध्यान दे के पहनना पड़ेगा, वो तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस ड्रेस के बारे में, ये ड्रेस मैं कब बनाई थी पता है आपको? जब मेरा सेकेंड बेबी हुआ था और वो फीड ले रहा था, तो मैं बाहर जाने के लिए, पार्टी अटेंड करने के लिए खास करके ये ड्रेस बनाई थी, इसीलिए आपको बोली थी ये मदर स्पेशल वीडियो है। तो देखिए, ये सामने जो फ्लावर वगैरह लगा हुआ है, तो ये तो डिज़ाइन, यूनिक सा डिज़ाइन बना देता है इसको, बट इसके अंदर जो हाइड कर रहा है वो जीप है, पूरा यहाँ तक खुल रहा है। तो देखिए, आपको फिट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई सा भी एप्रन ले लीजिए और गाड़ी में, कार में बैठ के आप आराम से फिट करा सकते हो, पार्टी भी अटेंड कर सकते हो। माँ बनने के बाद हेल्दी हो गए हैं बोल के स्टाइल में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है यार, सही बोल रही हूँ ना मैं। चलिए और एक ट्रिक शेयर कर लेती हूँ इस ड्रेस के बारे में। तो देखिए, ये पीछे देखिए, यहाँ पर कुछ इलास्टिक जैसा दिख रहा होगा आपको थोड़ा बीच में। तो देखिए, एक्चुअली ये ड्रेस मैं जब निकाली वीडियो बनाने के लिए तो काफ़ी दिन से मैं यूज़ नहीं की थी, तो काफ़ी ढीला था, तो तुरंत मैं स्टिच नहीं कर पाई, इसीलिए एक जुगाड़ू आइडिया लगाया। ड्रेस को पलट के उसके पीछे के तरफ जितना लूज वाला हिस्सा था, जितना कपड़ा था, उसको एक बड़ा सा सेफ्टी पिन से टक करके सिक्योर कर लिया। ये ट्रिक्स मेरे हिसाब से इंस्टेंट हैक की तरह कहीं पर भी काम में आ सकता है। तो ड्रेस का डिज़ाइन जैसे कि आपने देखा, एक छोटा हाथ था जो थोड़ा भरा हुआ डिज़ाइन दिख रहा था, तो वो साड़ी का एक पल्लू का कॉर्नर था, तो उसको मैंने छोटा हाथ का शेप दे दिया, और बाकी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी नहीं लगाया है इस ड्रेस में, और उसी साड़ी के कपड़े से ही जितना रोज़ फ्लावर बनाई हूँ, और बाकी वाइट वाला जितना हिस्सा दिख रहा है आपको उसी साड़ी में था, बॉर्डर था, तो उसको ही मैंने कुछ मॉडिफाई करके ये ड्रेस का रूप दे दिया है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतने में ही ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ काम का लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और सब्सक्राइब जो करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बाय फ्रेंड्स।